वेलकम बैक टू योर ओन चैनल यूनिक इंस्पिरेशन। आज के वीडियो में आप ना केवल नए इंग्लिश के वर्ड सीखेंगे जो कि आपकी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करेंगे, बल्कि हम हिंदी में जिन सेंटेंसेस को बोलते हैं, हिंदी में बात करते हैं, उनको इंग्लिश में किस तरीके से बोलेंगे आप ये भी सीखेंगे। और जो कि हमारा लास्ट सेक्शन है प्रैक्टिस का सेक्शन, तो डेफिनेटली वहाँ पर आप जब अपनी प्रैक्टिस करेंगे उन सेंटेंसेस के साथ में, तो आपकी इंग्लिश पहले से और इम्प्रूव होगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो बगैर देर करे जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो और सीखते हैं कुछ और नए इंग्लिश के वर्ड्स। पहला हिंदी का सेंटेंस है, आपके परिवार में कितने लोग हैं? हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली? हाउ मैनी पीपल आर इन योर फैमिली? क्या इसके लिए कोई दवाई है? इज देयर एनी मेडिसिन फॉर इट? इज देयर एनी मेडिसिन फॉर इट? नेक्स्ट सेंटेंस इज, मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज। आई डोंट लाइक वॉचिंग हॉरर मूवीज। क्या तुम्हें पता है यह क्या है? डू यू नो वॉट दिस इज? डू यू नो वॉट दिस इज? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। He answered none of my question. He answered none of my question. हम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। We can't fire him. We can't fire him. तुम्हें उन्हें अनदेखा करना होगा। You have to ignore them. You have to ignore them. वह बहुत अच्छा लेखक है। He is a wonderful writer. He is a wonderful writer. हम और क्या कर सकते हैं? What else could we do? What else could we do? नेक्स्ट सेंटेंस इज, क्या तुम खुद को हीरो मानते हो? डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ हीरो? डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ हीरो? क्या आपको किसी भी प्रकार का भय है? जैसे कुछ लोगों को हाइट से डर लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को बहुत गहराई से डर लगता है, तो उसको इंग्लिश में जब पूछना होता है कि भाई आपको किसी चीज़ से डर लगता है, तो पूछेंगे डू यू हैव एनी फॉर्म ऑफ फोबिया? डू यू हैव एनी फॉर्म ऑफ फोबिया? मुझे तुम्हारी टाई सीधी करने दो। लेट मी स्ट्रेटन योर टाई। लेट मी स्ट्रेटन योर टाई। मुझे नहीं लगता इससे पहले मैं कभी इतना खुश हुआ हूँ। आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन दिस हैप्पी बिफोर। आई डोंट थिंक आई हैव एवर बीन दिस हैप्पी बिफोर। जहाँ तक मुझे पता है वह पूरे दिन घर पर था। As far as I know, he stayed home all day. As far as I know, he stayed home all day. मैंने ऐसे होते हुए देखा था। I watched it happen. I watched it happen. आप यहाँ रहने के लिए कब आए? When did you move here? When did you move here? उसके माता पिता धार्मिक थे। His parents were religious.
His parents were religious. शायद उस दिन वह खराब मूड में हो. Maybe he was in bad mood that day. Maybe he was in bad mood that day. हमें अब चलना चाहिए. We should leave now. We should leave now. उसने क्या कहा? What did he say? What did he say? वह बेवकूफ है. He is moron. He is moron. उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तक नहीं. She didn't even look at his face. She didn't even look at his face. मैं उससे इत्तेफाक से मिल गया. I met him coincidentally. I met him coincidentally. क्या उसने कुछ और कहा? Did he say anything else? Did he say anything else? मुझे देर हो रही है. I am getting late. I am getting late. उस फिल्म ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए. That movie brought tears to my eyes. That movie brought tears to my eyes. तुम यहाँ ठहर सकते हो. You can stay here. You can stay here. वह सेल्फी ले रही है. She is taking a selfie. She is taking a selfie. हम समय पर घर पहुंच जाएंगे. We will reach home on time. We will reach home on time. मैं लगभग 10 बजे काम पर पहुंचता हूं. I arrive at work around 10. I arrive at work around 10. मैंने ये जानबूझकर नहीं किया. I didn't do it deliberately. I didn't do it deliberately. चलिए गाइस, अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है वोकैबुलरी. तो सीख लेते हैं कुछ इंग्लिश के वर्ड्स और उनके हिंदी के मीनिंग. वॉच. वॉच का हिंदी में मतलब होता है ध्यान से देखना. वॉच यानी ध्यान से देखना. हॉरर. हॉरर का हिंदी में मतलब होता है डरावनी. हॉरर यानी डरावनी. इग्नोर. इग्नोर को हिंदी में कहते हैं नज़रअंदाज करना. इग्नोर यानी नज़रअंदाज करना. राइटर. राइटर को हिंदी में कहेंगे लेखक. राइटर लेखक. फोबिया. फोबिया का हिंदी में मतलब होता है भय. फोबिया यानी भय. नेक्स्ट वर्ड इज कंसीडर. कंसीडर का हिंदी में मतलब होता है विचार करना और दूसरा मतलब होता है मानना. जैसे आप खुद को हीरो मानते हैं या हीरो समझते हैं, तो डू यू कंसीडर योर सेल्फ अ हीरो. आपने किसी को कोई एप्लीकेशन दी और उन्होंने कहा हम आपकी इस एप्लीकेशन पर विचार करेंगे, तो इस तरीके से कंसीडर को हम दोनों जगह पे यूज़ करते हैं, विचार करने के लिए भी और मानने के लिए भी. नेक्स्ट वर्ड इज़ हैपन.
हैपन का हिंदी में मतलब होता है होना, हैपन यानी होना, स्ट्रेटन सीधा करना, किसी भी चीज़ को सीधा करना है अगर तो इंग्लिश में कहेंगे स्ट्रेटन। रिलीजियस, रिलीजियस का हिंदी मतलब होता है धार्मिक, रिलीजियस यानी धार्मिक। कोइंसिडेंटली मतलब संयोग से, कोइंसिडेंटली यानी संयोग से। रीच, रीच का हिंदी अर्थ होता है पहुंच, रीच यानी पहुंच। डेलिबरेटली को हिंदी में कहते हैं जानबूझकर, डेलिबरेटली यानी जानबूझकर। अगर आपने कोई काम जानबूझकर किया है वहाँ पर इंग्लिश का जो वर्ड यूज़ होगा वो होगा deliberately। तो गाइस ये था वोकैबुलरी का सेक्शन। नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज़ द प्रैक्टिस सेक्शन। इस सेक्शन में जो हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इंग्लिश के सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको मैं हिंदी में बोलूँगी और आपको टाइम दूंगी जहाँ पर कि आप बताएंगे इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे कहेंगे। अगर आप कहीं पर अटक जाते हैं तो वीडियो को पॉज करिए, पीछे जाइए और जहाँ पर वो सेंटेंस लिखा हुआ है उसको वापस से देखिए कि किस तरीके से कहा गया है। अगर आप किसी पर्टिकुलर वर्ड पर अटक जाते हैं तो वोकैबुलरी सेक्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिस। आपके परिवार में कितने लोग हैं? क्या इसके लिए कोई दवाई है? मुझे डरावनी फिल्में देखना पसंद नहीं है। क्या तुम्हें पता है यह क्या है? उसने मेरे किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। हम उसे नौकरी से नहीं निकाल सकते। तुम्हें उन्हें अनदेखा करना होगा। वह बहुत अच्छा लेखक है। हम और क्या कर सकते हैं? क्या आप खुद को हीरो मानते हैं? क्या आपको किसी भी प्रकार का भय है? मुझे तुम्हारी टाई सीधी करने दो।
मुझे नहीं लगता इससे पहले मैं कभी इतना खुश हुआ हूँ। जहाँ तक मुझे पता है वह पूरे दिन घर पर था। आप यहाँ रहने के लिए कब आए? मैंने इसे होते हुए देखा था। उसके माता पिता धार्मिक थे। अब हमें चलना चाहिए। शायद उस दिन वह खराब मूड में हो। मैं उससे इत्तेफाक से मिल गया। उसने क्या कहा? मुझे देर हो रही है। उसने उसके चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। तुम यहाँ ठहर सकते हो। क्या उसने कुछ और कहा? हम समय पर घर पहुंच जाएंगे। उस फिल्म ने मेरी आंखों में आंसू ला दिए। वह सेल्फी ले रही है। मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। मैं लगभग 10 बजे काम पर पहुंचता हूं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो जल्दी से लाइक का बटन हिट कर दीजिए। आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए, और साथ ही बेल बटन का आइकन जो है उसको भी दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care and keep practicing.